जो इंटरमीटिंग फास्टिंग है उसका हमें बेनिफिट सिर्फ वेट लॉस में ही नहीं मिलता है, इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंतर्गत हमें इसका बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट है वेट लॉस, वो तो मेन है ही जिसके लिए हम ये 16 आवर इंटरमीटिंग फास्टिंग कर रहे हैं। सेकेंड डिटॉक्सिफिकेशन, थर्ड चीज होती है फंक्शनिंग ऑफ गुड ब्रेन, फोर्थ चीज होती है टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए भी तो, और हार्ट के लिए भी, मतलब इसके खाली वेट लॉस में ही हमें बेनिफिट नहीं होता, और सबसे पहले एंटी एजिंग में भी हमें बहुत ही ये अच्छा फायदा देता है। तो जैसे कि हमारा चेहरा क्लीन होता चला जाता है, मतलब हमें सिर्फ वेट लॉस में ही हेल्प नहीं करता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों में हमें ये 16 आवर फास्टिंग बहुत हेल्प करता है। मैं तो सबको रिकमेंड करूंगी, अगर कोई हेल्दी है अनहेल्दी है, अगर कोई फिट है अनफिट है, या फिर कोई हाउसवाइफ है, या फिर कोई जॉब करने वाला बिजनेसमैन है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, कुछ भी हो, बॉस है, स्टाफ है, कुछ भी, कोई भी पर्सन हो, जिसको बिजनेस है, जिसको बिजनेस नहीं है, अगर इवन अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है और उसको तो ये होता है कि इंसुलिन लेनी होती है तो खाना खाना होता है, तो वो भी 16 आवर के बजाय 14 आवर फास्टिंग कर सकता है। अपने जो उसका दवाई का जो भी स्केड्यूल है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है कि इसको किस मतलब मैं 16 आवर फास्टिंग या 14 आवर फास्टिंग दोनों करना चाहता हूँ, तो ये जो दवाई है उसको मुझे इस तरीके से इस टाइमिंग पे बताओ जिससे मेरा ये वाला जो रूटीन है ये फॉलो हो सके। इवन डायबिटिक जो पेशेंट होता है वो भी इसको फॉलो कर सकता है। तो मैं सबके लिए ये रिकमेंड करूंगी।